ब्रेक के बाद फरीदाबाद टाइम्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुरुग्राम के हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक प्रशासन यानी हिप्पा में ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। हमारी योजना हमारा विकास के नाम से शुरू हुई इस कार्यशाला में प्रदेश के कृषि और पंचायत डेवलपमेंट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ शामिल हुए। ग्राम पंचायत की समस्या और सरकार की पहल, ग्रांट, सड़क, पानी, बिजली समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश से आए पंचायत अधिकारियों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आज पंचायत शिक्षित हो गई है और ऐसे में उनसे पूछ कर ही योजनाएं बनाई गई हैं। पूर्ववर्ती सरकार की तरह पंचायत पर विकास का फैसला थोपने के बजाय पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत के सदस्यों को लेकर योजनाएं बनाए। इस मौके पर पंचायत मंत्री ने दर्जनों किस्सों के सहारे ग्राम विकास की योजना पर भी बल दिया। हमने एक पहल की शिक्षित पंचायतें बनाने की, अब हम इस रास्ते पर आगे बढ़ने की सक्षम पंचायतें बनाए। जो पंचायतें, जो ग्राम सभा अपने विकास की योजना खुद बनाए और खुद उसके क्रियान्वयन में जुटे हैं, सरकार सहयोगी की भूमिका में हो, सरकार मोटिवेटर की भूमिका में हो, जहां कम वहां हम की भूमिका में हो, ये हमारी जो छोटी सरकार है वो खुद अपने ग्राम विकास के कामों में लगे और गांव के दुनिया भर में फैले हुए रिसोर्सेज को भी अपने गांव के विकास के लिए उपयोग करें। वो खुद तय करें कि उनको गली कहाँ बनानी है, वो खुद तय करें कि उनका स्कूल कहाँ बनना है, वो खुद तय करें कि व्यायामशाला कहाँ बननी है, वो खुद तय करें कि इनमें से पहले कौन सी चीज़ बननी है, क्योंकि रिसोर्सेज सीमित होते हैं। नंबर दो पर कौन सी बननी है, तीसरे कौन पर बननी है, और इसमें गांव की समस्त जो वोटर हैं, मैं कहूँगा वोटर इसलिए कह रहा हूँ कि वो उस तरह से एक तरह से एडल्ट होते हैं, सारी चीज़ों को समझने वाले लोग होते हैं, गाँव की सक्रिय आबादी होती है, उन सबको इसमें सहभागी बनाएं, चाहे महिला हैं, चाहे युवा हैं, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, चाहे पिछड़े वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, सबको सहभागी बनाते हुए और गांव के विस्तृत योजना तैयार करें। और इसको तैयार कराने में सभी डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे उपायुक्त, हमारे अतिरिक्त उपायुक्त, हमारे DDPO, हमारे BDPO, हमारे ग्राम सचिव, वो सब सहभागी बने, उसी के लिए आज की कार्यशाला है।